वेलकम टू विज्ञान पाठशाला फ्रेंड्स, मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हियर आई एम स्नेहा शाह, योर एजुकेटर फॉर सोशल साइंस। वी आर कवरिंग क्लास 9 सोशल साइंस एनसीईआरटी पैटर्न। एट फर्स्ट वी विल कवर द हिस्ट्री पार्ट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्लास ऑफ हिस्ट्री and we were in chapter 1. In the previous classes we have discussed the previous topics, and our chapter 1, as you know, it is French Revolution. And previous classes we have discussed about the causes of revolution, the how France become a republic, how French people abolished monarchy, and so on. In our next topic, it is almost a very controversial character of French Revolution. Who is he? He is Robespierre. In the previous class, we have learned about the Jacobin group, and here we will learn about Robespierre. Robespierre एक ऐसे इंसान थे जो फ्रांस में शांति लाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, एंड उन्होंने जो रास्ता चुना, दैट वाज द रीजन ऑफ टेरर। ही यूज्ड टू बिलीव दैट यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ टेरर ओनली बाय टेरर इटसेल्फ, ओनली बाय यूजिंग टेरर। The period from 1973 to 1974 is referred to as the region of terror. One year after Louis XVI was dead, Louis XVI को 1793 में उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हें पनिश किया गया था देशद्रोह के जुर्म में। उसके बाद 1793 से 1794 तक एक साल हम लोग इसे रीजन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं, जब फ्रांस के कर्ता धर्ता रोबस्पियर थे। रोबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबस्पियर को लगता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो भी हमारे खिलाफ जाए, जो भी डेमोक्रेसी रिपब्लिक के खिलाफ जाए, उसे हम लोग अरेस्ट करेंगे एंड देन इम्प्रिजन, मतलब जेल में डालेंगे, एंड देन उनको मार दिया जाएगा। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। रोबेस्पियर को जिन लोगों से लगता था कि रिपब्लिक को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है, उन्होंने उन सब को मरवा दिया था। लाइक एक्स नोबल्स एंड क्लर्जीज, वी ऑल नो दैट नोबल एंड क्लर्जी वेयर द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, वो लोग बिल्कुल भी इसके खिलाफ थे, रिपब्लिक के खिलाफ थे। तो उन लोगों को भी उन्होंने अरेस्ट कराया और उसके बाद उनको मार डाला। द मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वहाँ के मेंबर्स को भी उन्होंने मरवा दिया था। उन मेंबर्स को भी, जो भी इनके खिलाफ बोलता था उनको वो मरवा देते थे। इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, जब कभी भी उनके खुद के पार्टी के लोगों ने इनके खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश की, मान लो कि रोबेस्पियर ने बहुत से काम गलत किए होंगे, तो जब उन लोग उन्हें इस बारे में बताने जाते थे कि देखिए आप ये काम गलत कर रहे हैं या ये ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, तो वो क्या करते थे कि अरे ये तो मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, तो उसको वो मरवा देते थे। His method was arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. उनका एक ट्रायल होता था। ट्रायल मीन्स जैसे हम लोग अभी अदालत में सुनवाई होती है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में हम लोग का ट्रायल होता था। अगर उन्हें दोषी पाया जाता था तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाता था। कैसे मार दिया जाता था? गिलोटिन नाम का एक मशीन, दैट देयर वाज अ मशीन नेम्ड गिलोटिन, ओके। तो वहां पे सर कट के उस मशीन से इंसान का सर कट जाता था।
तो सर काट के इंसान को मार दिया जाता था। तो इस तरह से इफ द कोर्ट जब उन्हें दोषी पाते थे तो उन लोगों को इस तरह से मार दिया जाता था। ये जो गिलोटीन जो यंत्र है, जो मशीन है, उसे बनाया था डॉक्टर गिलोटीन ने। तो उन्हीं के नाम अनुसार इस मशीन का नाम गिलोटीन रखा गया था। लेकिन ये इसे एक आयरनी कह सकते हैं कि डॉक्टर गिलोटीन को भी इसी मशीन से ही मारा गया था। डॉक्टर गिलोटीन का सर भी इसी मशीन से रोबोस्पियर द्वारा ही काट दिया गया था बाद में। रोबोस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ रूल्स सम लॉज दे उन्होंने कुछ रूल्स लाए थे। उन्होंने दे इम्पोज सम लॉज दे इश्यूड सम लॉज फेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वर रेशन। मीट और ब्रेड को राशन के तौर से उन लोग दे रहे थे। जैसे हम लोग यहाँ पे चावल और गेहूं मिलता है राशन में, वो लोग वहाँ पे मीट और ब्रेड राशन में दे रहे थे। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक रेट फिक्स कर दिया था कि इस रेट में आपको सारा आपका जो फसल है वो शहर ला के बेचना पड़ेगा। कुछ लोग अगर नहीं बेचना चाहते थे तो जबरदस्ती उनसे ये सब शहर में मंगवा के बेचा जाता था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द क्वालिटी इक्वालिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। होल व्हीट तो रोबोस्पियर चाहते थे कि पूरे फ्रांस में जो हो एक ही तरह का चीज हो। तो उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को मजबूर किया कि वो अपना फसल सिटी में आके बेचे। लोगों को क्या कहा कि जो एक खास तरह का मैदे का पाव बनता था, मीन्स ब्रेड बनता था, वो थोड़ा महंगा होता था, तो उन्होंने वो बंद करवा दिया। उन्होंने सबसे कहा कि एक जो इक्वालिटी ब्रेड नाम का एक ब्रेड होता था जो गरीब लोग खाते थे और मिडिल क्लास लोग खाते थे, ब्राउन, उसका मतलब वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था, तो वही उन्होंने कहा कि सारे लोग खाएंगे देश में। और इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनिश्योर सर और मैडम। ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन हेंस फोर्थ सिटोएन और सिटोएनी। आप लोगों को ये टर्म याद रखना है। सिटोएन जो मेन होते थे, जो लोग होते थे, उन्हें हम लोग भारत में क्या कहते हैं, जो आदमी होते हैं उन्हें हम लोग श्रीमान कहते हैं और जो महिलाएं होती हैं उन्हें श्रीमती कहते हैं। वहां पे क्या कहा जाता था, सर और मैडम। लेकिन यहाँ पे रोबोस्पियर ने क्या किया, रोबोस्पियर ने कहा कि सबको हम लोग सिटीजन बुलाएंगे, किसी को भी सर या मैडम नहीं बुलाएंगे। तो जो मेल मेल थे, जो पुरुष थे, उनके लिए सिटोयन इस शब्द का प्रयोग होने लगा और जो फीमेल थी, महिलाएं थी, उनके लिए सिटोएनी इस शब्द का प्रयोग होने लगा। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। सारे चर्च को बंद कर दिया गया क्योंकि हमें पहले ही पता है कि चर्च जो था वो लोगों के भलाई के लिए कम और अपनी भलाई के लिए ज्यादा काम करते थे। उन लोगों ने लोगों से बहुत बेवकूफ बना के लोगों को उनका पैसा ले रहे थे, उनसे टैक्स पे करवाते थे। तो रोबोस्पियर ने क्या किया, चर्चेस को बंद करवा दिए और उन चर्चेस में बैरक बनवा दिए। बैरक में जहाँ पे पुलिस और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो लोग रहते हैं, उन्हें वह लोग बैरक कहते हैं, और या फिर उन्हें सरकारी दफ्तर बना दिया गया। रोबोस्पियर ने क्या किया, उनकी पॉलिसी को इतने कठोर तरीके से वो चाहते थे कि सब लोग माने और सब लोगों से वो मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके सपोर्टर ने ही उनके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो लोग चाहते थे कि पॉलिसी थोड़ी मॉडरेट हो, इतना भी रिजिड ना हो, इतना कठोर ना हो, थोड़ी सी छूट वो लोग चाहते थे। लेकिन रोबोस्पियर ने कहा था कि नहीं, जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि रोबोस्पियर को जुलाई 1974 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनका ट्रायल शुरू हो गया और सबने उन्हें गिल्टी पाया क्योंकि वो अपने ही मनमानी कर रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होता है। गणतंत्र में हम लोग क्या कहते हैं कि लोगों की बातें सुनकर समझकर उस हिसाब से फैसला लिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, रिपब्लिक के नाम पे रोबोस्पियर अपनी मनमर्जी चला रहे थे, इसीलिए उन्हें ट्रायल में दोषी पाया गया और उसके अगले ही दिन उनको गिलोटिन में उनकी हत्या करवा दी गई। तो ये थी हमारी रोबोस्पियर के बारे में कुछ जानकारी। बहुत बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ नेक्स्ट, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब हम लोग आते हैं कि रोबोस्पियर के आगे अब और क्या क्या फ्रांस में होना था। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सेज पावर। अब जब रोबोस्पियर नहीं रहे तो पावर जो है वो वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथों में आ गई। वेल्दियर मिडिल क्लासेस मीन्स जो मिडिल क्लास थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था। उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। एक नया संविधान बनाया गया जिसने डिनाइड द वोट ऑफ नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी उनको एक वोटिंग राइट दिया गया था। ये जो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग थे, अमीर मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के लोगों से ये अधिकार छीन लिया। उन्होंने कहा कि जिनके पास संपत्ति है बस सिर्फ और सिर्फ वही लोग वोट दे पाएंगे। इट प्रोवाइडेड ऑफ फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, देन दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। जैकोबिन्स में क्या हुआ था कि पावर बस एक ही जन के हाथ में चला गया था, रोबस्पियर के हाथ में सारा पावर चला गया था, जिससे पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया। ठीक है, जैसे हमारे देश में है राज्यसभा और लोकसभा है, देयर आर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने भी अपना टू हाउस पार्लियामेंट बना लिया फ्रांस में, कि एक में अगर कोई लॉ पास हो जाता है और दूसरे हाउस को लगता है कि नहीं ये लॉ देश के लिए सही नहीं है, तो उस लॉ को रोका जा सकता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, एक ग्रुप बनाया 5 लोगों का, जो लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक के हाथ में पावर देकर फ्रांस के लोगों ने देख लिया था कि क्या आफत आ सकती है, तो उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। इसलिए एक ग्रुप में 5 लोगों को रखा गया। However, the directions often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator. Sorry, dictator Napoleon Bonaparte. Clash between directors and legislative councils. यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रूल्स बना रहे थे और जो डायरेक्टर्स थे वो रूल्स पास करते थे, तो इन दोनों में थोड़ी अनबन होने लगी। जो बात इनको पसंद आती थी, वो जो डायरेक्टर्स को पसंद आती थी, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं पसंद आती थी। जो लेजिस्लेटिव को अच्छा लगता था वो डायरेक्टर्स को नहीं पसंद था। तो आपसी मन मुटाव में जब देश में फिर से डामाडोल वाली स्थिति बनने लगी, तब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड इट इज अ वेरी कॉमन पिक्चर, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। आप लोगों को पहचानने में इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई नेपोलियन इजीली। ओके, तो नेपोलियन बोनापार्ट वाज वन ऑफ द हीरोज ऑफ दैट टाइम एज वेल एज ही वाज अ विलन ऑल्सो। तो हम लोग बाद में इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को एक दिशा दिखाई थी, लेकिन उसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से फ्रांस में बहुत कुछ गड़बड़ भी हुई थी। क्योंकि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे। मिलिट्री डिक्टेटर मीन्स सेना के
सेना के सहारे इन्होंने पावर को कैप्चर किया था. एंड थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग डीम्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी. इस शताब्दी में फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से ही फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब सब लोग एक बराबर हैं, और फ्रेटर्निटी ये सारे जो वर्चुअल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे, फ्रीडम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये पूरे यूरोप में उस वक्त फैल चुके थे और बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इस तीन वर्ड ने, फ्रीडम इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस तीन वर्ड ने पूरे यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया था. आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब विद्यान पाठशाला. मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.